सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज मेरे शूट के चक्कर में मेरा एक असाइनमेंट रह गया जो मैं आज पूरा करने वाला हूँ, और फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट के साउंड डिज़ाइन पे काम कर रहा हूँ। इफ़ जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके पहले का जो ब्लॉग था उसका और एक आउटडोर सिक्वेंस बचा हुआ है शूट करना, तो उसका ब्लॉग जब शूट होगा तब आएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ ब्लॉग। तो अभी मैं कैमरा दे के आया हूँ अंधेरी, और मैंने असाइनमेंट करना चालू किया है। कुछ इतना हुआ है, और बस मेरा अभी ना सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रहा हूँ 10-15 मिनट थोड़ा आराम कर लो, फिर वापस ही कंटिन्यू करूँगा। अच्छा सो सेल लिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम ऊपर बैठ जाता हूँ। सब गीला है यार यहाँ पे, और बस इंजॉय दिस व्यू। तो मैं तुम लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरे भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। जॉब प्रेशर, कॉलेज प्रेशर, करियर प्रेशर, फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ आउटकम्स नहीं दिख रहे, ब्लॉग्स कर रहा हूँ वैसे तो अच्छे हैं बट वैसे अच्छे नहीं है, और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया सभी चीज़ है। सिर्फ डिसअपॉइंट मत होना खुद से, क्योंकि अच्छी बताओ ना, लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं। जैसे अभी मैं शूट पे था एंड वहाँ पे मैंने उनको बोला कि यार अपना ब्लॉग का चैनल है स्टॉक, कि मैं ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन वॉज लाइक ओ अच्छा है बता। और जब मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये चैनल है और इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो बोलते इतने के मतलब 171 के, तो नहीं 171 है, तो वो लोग हंसते। और डिसअपॉइंटमेंट सबको होती है, बट मैं उसमें एक पॉजिटिव साइड ये सोचता हूँ कि 171 लोग मुझसे जुड़े हैं, व्यूज 40 मिनिमम आ जाते हैं, 40 लोग मेरा लाइफ देख रहे हैं, पता नहीं क्यों बस देख रहे हैं, शायद उनको अच्छा लगता हो, शायद वो कुछ सीखते हो। तो इफ़ तुम लोग भी ऐसे कुछ चीज़ से जा रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, डिसअपॉइंट मत होना, और जो भी कर रहे हो करना मत छोड़ना। मेरे को ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक साल बाद नंबर्स बढ़ेंगे, नहीं भी बढ़े तो भी एक मेरे चैनल पे एक बंदा वीडियो देखता है, उसके मेरे को मैसेज आते कि भाई वीडियो कब आ रहा है, और वो बंदा फिल्म मेकिंग के लिए इंस्पायर हो गया है, वो अभी खुद की शॉर्ट फिल्म बनाने वाला है। तो मुझे ये नहीं देख रहा हूँ मैं फ़िलहाल कि क्या नंबर्स हैं मेरे, मैं बस वो एक बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वो एक बंदे को फोकस कर रहा हूँ कि एक बंदा है जिसको देखना है, जिसको कुछ सीखना है। तो मैं तुमको भी यही बोलूँगा कि नंबर्स पे ध्यान मत दो, सब लोग यही बोलते बट कहीं ना वो चीज़ हिट कर ही जाती है। मैं सोचा कि ये साइड भी एक शेयर कर ही दूँ, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में है, और बस यही लाइफ का फेज है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मॉम भी करती है, बट जितना मेरे डैड मेरे लिए कर रहे हैं ना, पता नहीं बस अलग लगता है। बता रहा हूँ अभी मैं गाने सुनते बैठ जाऊँगा थोड़े देर, आज मैं काम नहीं कर रहा, आज मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि मेरे से होगा नहीं क्रिएटिव वर्क है, और मैं इस स्पेस में इस लो फेज में मेरे को काम, बस गाने वाने सुनूंगा, थोड़ा चिल करूंगा, ब्लॉग एंड करते। सॉरी गाइस इफ तुम लोग बोर हुए हो या अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी है, मैंने सोचा कि ये साइड भी मेरी शेयर कर दूँ, क्योंकि क्यों नहीं। सिर्फ ये एक चीज़ बोलूँगा, हार मत मानना, लोग सबके लाइफ में है और अब्स भी सबके लाइफ में आएंगे,
दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट, हकुना मनाना।